हेलो, स्क्रीन दिख रहा है? आवाज सुनाई दे रही है? तो आज हम लोगों को देखना है लिमिट्स, ठीक है? तो आज का टॉपिक है लिमिट्स। फिजिक्स में आता है ये, इसे जानना जरूरी है। सबसे पहले जो पॉइंट आपको समझना है, वो पॉइंट आपको समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग मीनिंग ऑफ एक्स टेंड्स टू ए। इसका क्या मतलब है जब हम लोग लिखते हैं कि एक्स जो है इट इज अप्रोचिंग ए, व्हाट डज दिस मीन? सो if a variable x goes on taking values which are smaller and smaller such that ultimately its value can be made less than a positive number, ठीक है, कहने का मतलब ये इसके करीब जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लिया हम अगर बोले x tends to zero, इसका मतलब x का वैल्यू इतना कम हो रहा है कि इट इज अप्रोचिंग जीरो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अप्रोचेस जीरो और एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो के करीब जा रही है, ठीक है। तो एक्स टेंड्स टू ए का मतलब यही है कि जो एक्स का वैल्यू है वो ए के करीब जा रहा है। एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर हम आपको कहते हैं कि एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब एक्स का वैल्यू इंफिनिटी के करीब जा रहा है, ठीक है, इट इज अप्रोचिंग जीरो, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हम इसी चीज को एक्सटेंड कर दें, अगर हम बोले कि वन बाई एन टेंड्स टू जीरो, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। और अगर हम बोलते हैं कि वन बाई टेन एन टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एन अप्रोचेस जीरो, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है कि वन बाई एन टेंड्स टू जीरो इट मीन्स एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, और एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब वन बाई एन टेंड्स टू जीरो। ऑल्टरनेटली हम इसको कह सकते हैं। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ एक्स अप्रोचेस जीरो का मतलब, या एक्स टेंड्स टू ए, या एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब। अब आता है बात कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो यहां पे अब आपको समझना है कि जो लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन कर सकते, जैसे मान लिया अगर हमने कोई फंक्शन ले लिया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय एक्स माइनस टू, इस तरह का हमने फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। और अगर हम आपको बोलते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू टू वाई का वैल्यू निकालिए, तो अब आप x का वैल्यू जब 2 पे पुट कीजिएगा तो आप देखते हैं कि 2 स्क्वायर माइनस 4 4 बाई 4 हो जाएगा, तो ये 0 बाई 0 आ जा रहा है, आ जा रहा है जब आप x का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो। अब ये 0 बाई 0 क्या है? दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म।
ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहां पे आपको समझना है क्या है ये, अगर हम y का वैल्यू टेंडिंग टू, मतलब x का वैल्यू टेंडिंग टू टू लिखते हैं, टेंडिंग टू टू का मतलब है कि x का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 1.9 लेते हैं, मतलब टेंडिंग टू टू का मतलब क्या है, 1.9 ले सकते हैं, 1.99 ले सकते हैं, मतलब और बढ़ता जा रहा है वो, मतलब 2 के करीब होते जा रहा है वैल्यू, 1.99999 ले सकते हैं, इसी तरह 1.99999 ले सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात कि हम 2 के करीब चले जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह हम मान लेते हैं 1.99 10^9 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज x इज टेंडिंग टूवर्ड्स द वैल्यू 2, ठीक है, यही चीज है। तो कहने का मतलब है आपको समझना है कि वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में 0/0 के कंडीशन में हम लोग करते क्या है, इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे y है तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो ये मेरा x प्लस टू एक्स माइनस टू हो जाएगा, x प्लस टू एक्स माइनस टू हो जाएगा और नीचे x माइनस टू है, तो पहले फैक्टराइज कर लेंगे, जो कटता है काट देंगे, उसके बाद हम x का वैल्यू उस पर पुट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा दोनों कट गया, अब यहाँ पे हम x प्लस टू आया, यहाँ पे अब हम 2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं डिटर्मिनेट फॉर्म के, और भी अगर डिटर्मिनेट फॉर्म आएगा तो एल हॉस्पिटल रूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम आपको बाद में बताएंगे एल हॉस्पिटल रूल होता क्या। तो फिलहाल ये आपका लिमिटिंग है। अगर हम आपको इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करें कि इस लिमिट को आपको समझना कैसे है ज्योमेट्री के, तो ठीक है, तब हमने आपको बोला x टेंड्स टू a, कहने का मतलब वो जो वैल्यू है वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जब होता है, मान लेते हैं अगर आपका ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है आपका, ठीक है, तो दिस इज कर्व c, ये पॉइंट p है जहां पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग p ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो कर्व है आपका, यहाँ पे अब आप समझिए कि ये पॉइंट यहाँ पे है, फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं हमने Q लिया, अब ये अप्रोचेस P, तो ये धीरे धीरे इसी कर्व ट्रेसिंग पाथ पे ये आएगा और करीब आएगा, मतलब Q1 और करीब हो गया, उसी तरह इसी पाथ पे आप आगे आते चले जाइए Q2, उसी तरह इसी पाथ पे आप आते चले जाइए Q3, उसी तरह इसी पाथ पे आप Q4 आते चले जाइए, ठीक है, Q5, एक समय ऐसा आएगा कि ये फिर P पे आ जाएगा ये पॉइंट, तो मान लेते हैं Q10 है क्योंकि P पॉइंट पे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इट इज अप्रोचिंग P, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो Q है इट इज अप्रोचिंग P, Q टेंड्स टू P, इसको हम इसी तरह ज्योमेट्रिकली बताएंगे कि दिस पॉइंट Q इज टेंडिंग टुवर्ड्स P, समझ में आई बात। अब हर एक पॉइंट से हम इस पॉइंट पे क्या करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, टेंजेंट जिसको आप बोलते हो, तो हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचते चलिए, ठीक है, जैसे ये पहला वाला लाइन अगर हम खींचे तो ऐसे जाएगा, यहाँ से गया, यहाँ से जा रहा है, यहाँ जाएगा, फिर उसी तरह एक लाइन यहाँ यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो कहने का मतलब इस पॉइंट पी से उसको पास करना है सारे पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पॉइंट है कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कोई फंक्शन आपने लिया है एफ ए, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, एफ ए हम लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब अगर हम इसको लिमिट के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो लिमिट फंक्शन इज द वैल्यू एट ए, मतलब एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए and this is function x, ठीक है। इसका कहने का मतलब है
the limit apex and x is tending towards a will give you the function का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ए एक्स का वैल्यू ए पुट कीजिए और फंक्शन का वैल्यू निकाल, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। समझ में आई बात, समझ में आया, ठीक है, तो आगे जब प्रॉब्लम कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग प्रॉब्लम के जरिए ही बता सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स भी आएंगे, बहुत सारे आएंगे, जैसे 0/0 आता है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आता है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको सॉल्व करते हैं। तो एक एक करके हम आपको प्रॉब्लम का टाइप बता देंगे कि उसको करना कैसे होता है। तो जैसे मान लिया अगर आपको क्वेश्चन ऑफ द टाइप 0/0 देता है, ठीक है, टाइप इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा, सो लेट्स कंसीडर द फर्स्ट थिंग जो कि कॉमन क्वेश्चन रहता है, टाइप 0/0 फॉर्म में आपको फंक्शन हो सकता है, ठीक है, लिमिट हो सकता है। यहां पे देखिए, मान लिया हमने दिया लिमिट x टेंड्स टू 1 और हमने आपको फंक्शंस दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जब आप x का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा यहां, तो x का वैल्यू 1 जब पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 0, ऊपर आएगा 0 और नीचे आ जाएगा आपका 5 माइनस 5 0, मींस दिस इज ऑफ द फॉर्म 0/0। तो क्विक एनालिसिस में हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमको करना क्या है, कुछ करना कुछ नहीं है, हमको ये x का वैल्यू, ये जो फंक्शन है fx/gx मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पुट करके हमको चेक कर लेना। अब हमको इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, we will have to factorize this because this is of the 0/0 form में, तो हम इसको क्या करेंगे, factorize कर लेंगे, so limit x tends to 1। अब आप बताइए, x square minus 4x plus 3 है, इसका मतलब ये x minus 1 x minus 3 है, ठीक है, factorize करेंगे, आपको factorize करना आता होगा, हम assume करते हैं कि आपको आ रहा होगा। उसी तरह नीचे आप कीजिएगा तो देखिए x minus 1 by x माइनस 4 आ जाएगा वो, ठीक है, x माइनस 4 x माइनस 1, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये हम काट सकते हैं। अब मेरे पास देखिए वैल्यू जो है वो लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 3 x माइनस 4 है, ठीक है। नाउ आई कैन पुट x का वैल्यू हियर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज पे हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ये मेरा 1 माइनस 3 हो जाएगा और ये मेरा 1 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वैल्यू विल बी माइनस 2 बाई माइनस 3 मीन्स 2/3, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म में हमको फैक्टराइज करना है फंक्शन को, जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल कर देना है और उसको फिर सॉल्व कर लेना है। तो ये 0/0 फॉर्म को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जहां पे आपको क्वेश्चन दे सकता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का प्रॉब्लम हो सकता है आपके पास, ठीक है। जैसे मान लिया हमने आपको दे दिया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, और यहां पे दे दिया 2x square प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय
इसको आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉपी में लिख रहे हैं, अगर कॉपी में नहीं लिख रहे हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, दैट इज 100% गारंटीड। ठीक है, तो 5x² प्लस 6x प्लस 7, अब आप यहां देखिए, अगर हम यहां x की जगह इंफिनिटी पुट करें तो दिस विल टेक द फॉर्म ऑफ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ठीक है, सिंपल है ये। अब हमको करना कुछ नहीं होता है, हमको क्या करना होता है कि जो x² है ऊपर नीचे हटाना है। आइडिया यही है कि मेरे को x को हटाना है आगे से, x² जो है उसको मेरे को हटाना है। ठीक है, अब इसका आंसर सिंपली हम 2/5 होगा। ठीक है, देख के भी पता चल रहा है 2/5 होगा इस तरह के आंसर्स। अब कैसे होगा, अब हम मान लिया x² अगर हमने ले लिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2, x² कॉमन लेते हैं, ये मेरा आएगा 3/x और ये होगा 4/x². ठीक है, नीचे में भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी x² कॉमन लेंगे, आई विल गेट 5 प्लस 6/x प्लस 7/x². ठीक है, अब यहां पे देखिए हम एक स्टेप स्किप करेंगे, ठीक है, इसलिए आपको समझना है ये x² से x² मैंने काट दिया। अब देखिए जब x का वैल्यू अब इस वाले लिमिट में अगर हम इंफिनिटी पुट करते हैं तो पहला वाला जो पार्ट है 2 और 5, इसको देखिए, इसके साथ x का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर हम डालते हैं, इस वाले पार्ट में डालते हैं x का वैल्यू, क्या होगा, 1/0, ये इंफिनिटी का फॉर्म ले रहा है। तो दिस पार्ट ये जो डबल एर डबल लाइन का हम दिखा रहे हैं, ये इंफिनिटी फॉर्म ले रहा है, लेकिन पहला वाला फॉर्म नहीं ले रहा है। ठीक है, दिस का मतलब है कि 3/∞ इज 0, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, 2 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, बाय 5 प्लस 0 प्लस 0, ये हुआ मतलब, इसका मतलब आंसर इज 2/5। तो हम ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का आंसर तो आप देख के बता सकते हो। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, जो भी हाईएस्ट फैक्टर होता है डिग्री वाला पॉलिनोमियल है एक्स के टर्म में, उससे आपको ऊपर नीचे उसको आपको कॉमन लेना होगा और फर्दर प्रोसीड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बता दे रहे हैं कि ये जो लिमिट वाई दिस इज कमिंग 0 बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, और मान लेते सिर्फ हम पहला वाला हम शो कर रहे हैं, ये जो 3/3x जो होगा ये अगर इंफिनिटी डाल रहे तो 0, एंड साइमल्टेनियसली दूसरे भी डालेंगे तो वो सब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी आसान है। 0/0 में आपने फैक्टराइज किया जो कॉमन है काटा और फिर आपने वैल्यू पुट कर दिया एक्स का जो वैल्यू है। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में आप क्या करते हो, जो हाइएस्ट फैक्ट डिग्री मतलब पावर है एक्स का, जैसे यहाँ पे x² है, अगर x³ रहता तो x³ को हम काटते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई भी ऐसा दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह ये तो कॉमन फॉर्म हो गया 0/0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, बट इन लिमिट्स। ठीक है, तो आपको नॉर्मली फिजिक्स में 0/0 इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म को समझना जरूरी है, बट इन मैथमेटिक्स देर कैन बी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, इस तरह का भी हो सकता है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। अब आप देखिए इसका एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, मान लिया आपने लिया लिमिट एक्सटेंड्स टू 2। ठीक है, और हम मान लेते हैं इंफिनिटी बाई इंफिनिटी लाना है तो हम इसको ऐसा करना पड़ेगा 1-। ठीक है, हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ठीक है,
ये आपका प्रॉब्लम, 1 बाई एक्स माइनस टू माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला 1 बाई 2 माइनस 2 जीरो, 1 बाई 0 इंफिनिटी होता है, इधर होगा 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो अगेन ये भी आपका इंफिनिटी हो जाएगा, तो कहने का मतलब इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ठीक है। सो एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2 This takes the form infinity by infinity. ठीक है, तो आप infinity minus infinity, sorry, infinity क्योंकि बीच में minus है, तो infinity minus infinity form में ये problem आपका आ जा रहा है, ठीक है। अब इसको करना कुछ नहीं रहता है, आप इस वाले को just solve करो अंदर में, जैसे आप commonly करते हो इस problem को, वैसे आप इसको bracket के अंदर जो चीजें हैं उसको अब आप solve कर दीजिए। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, सो दिस विल बी एक्स प्लस 2। आई होप यू कैन डू दिस, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये मेरा क्या फॉर्म में आ गया, ये सब आप 7th 8th में करते हैं, रैशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन सॉल्विंग, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एक्स माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए ये भी आ रहा है, अब ये फॉर्म अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म में आएगा, अगर यहां पे अगर आप इस पोजीशन पे अगर आप एक्स का वैल्यू 2 डालें, यहां पे अगर आप एक्स का वैल्यू 2 डालने का प्रयास करते हैं तो दिस विल टेक जीरो बाई जीरो फॉर्म, मीन्स दिस इज अगेन इन डिटर्मिनेट फॉर्म। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन इसको फिर से फैक्टराइज करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप फैक्टराइज कीजिएगा तो नीचे क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस टू एक्स माइनस टू, तो x माइनस टू एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस टू, ठीक है। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू, क्योंकि अब वो किसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, तो अब यहाँ पे x का वैल्यू आप 2 पुट कर सकते हैं, तो 1 बाई 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 1 बाई 4। सो दिस इज योर आंसर। तो कहने का मतलब है आपको देखना है टाइप क्या है और अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व करके इस फॉर्म में लाइए कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं हो, तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मली ये लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाले क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं और काफी आसान है। एक बार अगर आप समझ जाइएगा तो आपको लगेगा अरे ये हम कैसे, यही है कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल जो फंक्शन होते हैं उनका कुछ फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना पड़ता है और प्रैक्टिस करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम। बट फिजिक्स में आएगा आपको इजी चीजें आएंगे, ठीक है। तो वहां के लिए दिस मच इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ, ठीक है। अब आती है कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो कि आपको समझना होता है, ठीक है। तो लेट्स से पॉइंट नंबर 8, तो पॉइंट नंबर 8 में हम कह सकते हैं कि ये एक कॉमन फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सच दैट, यहां पे क्या है आपको दिया फंक्शन एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाय एक्स माइनस ए। सो इफ योर लिमिट इज इन दिस फॉर्म देन इट gives you the result n a to the power n minus 1, ठीक है, where n is rational number, ठीक है। ये formula है जिसको आपको याद रखना होता है, ठीक है। Limit x tends to a x to the power n minus a to the power n divided by x minus a will give n a to the power n minus, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम मान लेते हैं कि इसी को अगर मान लेते हैं कुछ भी आप पुट कर सकते हो, ए का वैल्यू 2 पुट कीजिए और आगे सॉल्व कर लीजिए, एन का वैल्यू कुछ डाल लीजिए, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब आगे आएगा ये, जैसे मान लेते हैं अगर हम ए का वैल्यू
वन डाल दें, ए का वैल्यू वन डाल दें, पुट ए का वैल्यू एज वन, पुट ए इज इक्वल टू वन हियर. सो व्हाट डज दिस ट्रांसलेट इनटू, दिस ट्रांसलेट इनटू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, ठीक है, एक्स टू द पावर एन माइनस वन बाय एक्स माइनस वन, ठीक है, ये होगा. एंड राइट हैंड साइड में मेरा क्या हो जाएगा, एन ए टू द पावर एन माइनस वन. तो यहां पे अब आप देख रहे हो ये मेरा एन है और ये वन है, ठीक है, समझ में आ रही बात. सो दिस इज एन. तो कहने का मतलब है कि आप देख रहे हैं प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ठीक है. अब इसी तरीके का क्वेश्चन आपको बहुत सारा दिया जा सकता है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे जो कॉमन क्वेश्चंस फिजिक्स के रेस्पेक्ट में यूज हो सकता है, ठीक है. जैसे मान लिया हमने दे दिया आपको लिमिट एक्सटेंड्स टू टू, और ये दे दिया हमने एक्स टू द पावर फाइव माइनस थर्टी टू. अब देखिए इसको आप ऊपर वाले फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर आप चाहिएगा तो, ठीक है. एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है. इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है. अब आपको समझना है कि इसको हमको किस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट, स्टेप बाय स्टेप चलिए, एक्स टेंड्स टू टू, ये मेरा क्या हो जाएगा x टू द पावर 5, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, बाय x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, ठीक है. तो मैंने इसको इस फॉर्म में ले आया, ठीक है. अब मेरे को करना क्या है, अब मेरे को ऊपर वाला फॉर्म में लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना. तो कुछ करने का मतलब क्या है, मेरे को यहाँ देखो x tends to 2 है, मतलब मेरे को x minus a, x tends to a, x minus a है, मतलब x tends to 2 है, मतलब x minus 2 लाना पड़ेगा, तभी हम वो ऊपर वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे इसको, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे x minus 2 से डिवाइड करते हैं. ये मेरा x to the power 5 minus 2 to the power 5 divided by x माइनस टू, ठीक है. अब यहां पे देखिए ये एक फॉर्म में आ रहा है, उसी तरह x स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर बाई x माइनस टू, ये दूसरे फॉर्म में आ रहा है, समझ में आ रही है. अब आप देख लीजिए ऊपर वाले फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऊपर वाले फॉर्म में आ रहा है. तो कहने का मतलब है कि जब ऐसा होगा तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट, अब ऊपर नीचे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, x tends to 2, और ये मेरा क्या था, x to the power 5 minus 2 to the power 5 by x minus 2, and this is divided by limit. ये स्टेप मुझे स्किप करना चाहिए था, बट मैंने स्किप नहीं किया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है. अब देखिए ये अब आपका जो हमने ऊपर एट्थ नंबर पॉइंट डिस्कस किया है उस फॉर्म में आ गया ये. अब हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, एन ए टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है. तो यहाँ पे एन क्या है, फाइव है, ए क्या है, टू है, और एन माइनस वन कितना हो गया, फाइव माइनस वन, ठीक है. उसी तरह नीचे आइए, नीचे में क्या है, एन टू है, ए क्या है, टू है, और n माइनस वन मतलब टू माइनस वन, सॉल्व कर लिए हम. ये मेरा हो गया फाइव इंटू टू टू द पावर फोर, और ये हो गया मेरा टू इंटू टू टू द पावर वन, मतलब टू स्क्वायर. तो टू स्क्वायर और ऊपर कट जाएगा, जो कटा काटिए, तो फाइव इंटू टू स्क्वायर मतलब पांच इंटू चार, बीस.
सो दिस इज द आंसर. कहने का मतलब ऊपर वाला जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसको हमने यहाँ अप्लाई किया. तो हम क्या करते हैं, जो गिवन रहता है लिमिट उसको हम ऊपर वाले फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे. एक हिंट रहता है आपके पास, ये x टेंड्स टू टू जैसे यहाँ दिया हुआ है, मतलब मेरे को x इस कंडीशन में x माइनस टू से ही डिवाइड करना ताकि मेरा ये इस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में, फॉर्मूला वाले फॉर्म में. ठीक है, यहाँ देखिए फॉर्मूला है n a to the power n minus 1. कहने का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम इस तरीके से सजाएंगे कि वो उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, तब जाके आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ये काफी आसान प्रॉब्लम है जहां पे आप ये लिमिट एक्सटेंड्स टू x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a को यूज करना सीखते हैं. ठीक है, काफी आसान प्रॉब्लम है. अब यहाँ एक दूसरे तरह का क्वेश्चन आपसे दिया जा सकता है जहां पे आपको बोलता है लोग की यूज ऑफ रैशनलाइजेशन. तो उसको हम लोग बोलते हैं लिमिट बाय रैशनलाइजेशन. अब रैशनलाइजेशन प्रोसेस आप लोग क्लास 9-10 में आई हो बताया जाता है. ठीक है, रैशनलाइजेशन किए होंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स. ठीक है, तो उसी मैकेनिज्म का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं और लिमिट फाइंड करते हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे तो आपको समझ में याद आ जाएगा कि एक्चुअली में हम क्या कह रहे थे. तो मान लेते हैं हमने आपको प्रॉब्लम दिया लिमिट x टेंड्स टू जीरो. ठीक है, x टेंड्स टू जीरो और हमने आपको फंक्शंस दिया है 1 + x² रूट माइनस रूट ओवर 1 + x, ये न्यूमरेटर में है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमने लिखा x. अब देखिए ये फॉर्म है, अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं 0 तो यू फाइंड 1 - 1/0, मतलब 0/0 फॉर्म में. अगर यहाँ पे आप x का वैल्यू 0 पुट करें इस जगह में तो यू फाइंड दैट दिस इज 0/0 फॉर्म में है. ठीक है, तो ये 0/0 फॉर्म में आता है अगर x का वैल्यू इस कंडीशन में आप 0 पुट करते हैं तो. सो नाउ यू हैव नो ऑप्शन, सो वी विल गो फॉर रैशनलाइजेशन, क्योंकि मेरे को स्क्वायर रूट हटाना है वहां से. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब आपको ये चीज पता होगा कि हम रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं. ये मान लिया रूट ओवर 1 + x² माइनस रूट ओवर 1 + x है. ठीक है, ये x है, तो हम इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इससे 1 + x², क्योंकि मेरा पर्पस है ऊपर से रूट को हटाना, तो यहाँ पे हम प्लस रखेंगे ताकि वो a² - b² के फॉर्म में आए. ठीक है, ये 1 + x. ठीक है, तो a + b a - b, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा वहां से. ठीक है, तो आसानी से हम इसको कर सकते हैं. ठीक है, ये मेरा ऊपर वाला a - b a + b के फॉर्म में आ गया, मतलब a² - b² के फॉर्म में आ गया. अब इसको आप फर्दर अब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है. हाँ, अगर आप इसको सॉल्व किए हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि ये मेरा a² - b² के फॉर्म में आ गया. सो दिस इज स्क्वायर माइनस 1 + x. ठीक है, ये रूट, तो इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय जो मेरा नीचे है उसको मेरे को वैसे ही लिखना है, और चूंकि ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक फैक्टर था. ठीक है, तो कहने का मतलब है अब हम ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 1 + x² -
वन माइनस एक्स ये आएगा। तो जैसा सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व कर लो, फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स बाय एक्स रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए ये माइनस वन से प्लस वन चला गया, नीचे एक एक्स है ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वन हो गया ऊपर और नीचे एक्स है, ठीक है। और फिर आपका ये वन प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स ये है, ठीक है। अब ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, हटाइए इसको। अब यहाँ पे अब आपका सिंप्लीफाइड स्टेज में प्रॉब्लम है, नाउ यू कैन पुट एक्स का वैल्यू जो है जीरो पुट करके देखिए। तो ये जीरो माइनस वन हो गया न्यूमरेटर में और नीचे में क्या हो गया, वन प्लस जीरो प्लस रूट ओवर वन प्लस जीरो, कितना हो गया ऊपर माइनस वन हो गया नीचे वन प्लस वन, दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां देखिए कि सिंपल हमने रैशनलाइजेशन किया ताकि ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाए, ठीक है। तो वी मेड यूज ऑफ दिस फॉर्म्यूला ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इससे फायदा मेरा क्या हुआ, जो स्क्वायर रूट था उसको हटाने में हमको मदद मिला है, ठीक है। तो ये है एक तरीका, इससे आप कर सकते हो, काफी आसान प्रॉब्लम हो जाता है, रैशनलाइज कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, वो फिर अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम में अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो ये मैं आपको टाइप बता रहा हूँ जिस हिसाब से आपको लगेगा कि हमको प्रॉब्लम कर लेना है, ठीक है। उसी तरीके से कुछ चीजें यहाँ पर रिविजिट करनी पड़ती हैं, जैसे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको याद रखना होता है, तो ताकि वो मेमोरी में रहे, और ये मेमोरी में रहना चाहिए। इफ यू आर स्टडिंग लिमिट्स, तो जैसे मान लिया हमने सिंपल रिविजिट कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी पढ़ा है आपने। अगर मान लेता है हमने हमने आपको बोला कि लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एंड दिस इज वन बाई एक्स, ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी इंफिनिटी, ठीक है। 12th पॉइंट जो हमने आपको बताया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी अगर है, ये पहले भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे आपको, और ये अगर 1 बाई एक्स है देन इट्स वैल्यू विल बी 1 बाई इंफिनिटी, जब हम डालेंगे तो इट विल टेक द वैल्यू जीरो, ठीक है। उसी तरह हमने आपको लिमिट x टेंस टू वन अगर हम लेते हैं, a की जगह वन लेते हैं, ये भी हमने ऊपर किया था आपको, x टू द पावर n और a टू द पावर वन, और a का वैल्यू आपने वन लिया हुआ, तो जब आप n a टू द पावर n माइनस वन पुट कीजिएगा तो यू विल गेट n, ठीक है। अब उसी तरह ये तीनों पॉइंट समराइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब उसी तरह आपको दिया जा सकता है लिमिट x tends to infinity and x to the power n दिया जा सकता है, ठीक है। So this will be zero, ठीक है, मतलब infinity x to the power infinity, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है ये मैंने n लिया है, यहाँ पे n tends to infinity, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट भी आपका रहेगा, ये जो x की जो वैल्यू होगी ये एक से कम होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये सब कॉमन फॉर्मूलाज होते हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। उसी तरह कुछ एक्सपेंशंस होते हैं जिसको हम लोगों को बोला जाता है कि आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो ये आप अलजेब्राइक जब एक्सपेंशंस पढ़िएगा
बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग बोलते हैं, तो उस समय आपको ये फॉर्मूला दिया जाता है। बट मैं आपको यहाँ दे दे रहा हूँ क्योंकि ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन मेरे को पढ़ाना नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे आपका वो सब फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा देते हैं आपको। तो 1 + x^n के फॉर्म में अगर आपका है तो यू कैन राइट दिस एज 1 + nx। तो आपको फिजिक्स में जस्ट यही काम करना है, बस 1 + nx, आगे क्या है उसे कोई मतलब नहीं, बिकॉज दैट विल बी इग्नोर्ड। ठीक है, अगर आपका 1 + x^n मतलब 1 + x^4 है मान लेते हैं, तो वी कैन राइट एज 1 + 4x। ठीक है, अब आगे जो होता है मैथमेटिकल फॉर्म में वो फैक्टोरियल फॉर्म में आपका आएगा, जैसे कि n n-1। ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 2 फैक्टोरियल एंड दिस विल बी x2। ठीक है, अब उसी तरह आपका और बढ़ता जाएगा, n n-1 घटा, एक और प्रोडक्ट घटेगा, n-2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x3, और नीचे हो जाएगा 2 की जगह 3 फैक्टोरियल, एंड दिस विल गो अंटिल इंफिनिटी। ठीक है, तो हम लोग इतना फिजिक्स में चक्कर नहीं काटते, हम लोग क्या करते हैं 1 + x^n है, 1 + nx लिखते हैं। ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 + nx। ठीक है, तो ये पार्ट जो है आपका 1 + nx इज इम्पॉर्टेंट। ये याद रखिए। उसी तरह कुछ और एक्सपेंशन भी हैं जो कि फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे, उसको याद रखना आपको जरूरी है। जैसे कि कितना पॉइंट है, 16th पॉइंट ना, तो 16th पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, e^x एक्सपोनेंशियल ले लिया। ठीक है, e^x, सो वी राइट दिस एज 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x²/2 फैक्टोरियल प्लस x³/3 फैक्टोरियल ठीक है, एंड दिस एडिशन समेशन विल गो टिल इंफिनिटी। तो दिस इज द केस, तो e^x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + x² प्लस x²/2 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी फैक्टोरियल का मतलब भी आपको समझना है। जैसे मान लिया अगर हमने आपको बोला 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 से लेके आप 1 तक जाइए, प्रोडक्ट बनाइए, 3 × 2 × 1। ठीक है, अगर हम आपको बोलते हैं 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, मतलब आपको लगातार प्रोडक्ट एक एक घटाते हुए जाना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो ये है। उसी तरह हम यहाँ पे आपको एक और एक्सपेंशन दे सकते हैं, एक्सपोनेंशियल हो गया एक्सपेंशन, अब लॉगरिथमिक दिया जा सकता है आपको, तो यू कैन गेट log^(e) 1 + x का आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका x − x²/2, अब ऑल्टरनेट प्लस माइनस है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं और याद रखने के लिए, अब यहाँ प्लस हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा, पावर बढ़ेगा x का, नीचे डिनोमिनेटर भी 3 4 होता रहेगा, फिर ऑल्टरनेट पॉजिटिव माइनस होगा, इधर x^4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, एंड इट विल गो टिल इंफिनिटी। तो हमको इंफिनिटी से कोई मतलब नहीं है, हमारा आगे का काम 1 2 लेके अप्रोक्सीमेशन में काम फिजिक्स में चल जाए। ठीक है, पॉइंट, बट दीज फॉर्मूलाज शुड बी लर्न हार्ड। ठीक है, आपको उसको याद रखना। तो अब ये आपको दिया जा सकता है, e^x के फॉर्म में एक्सप्रेशन हो सकते हैं, सो दिस 1 + x
log to the base EA by 1 factorial plus x log to the base EA का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम स्क्वायर कर दिए हैं और नीचे लगा दिए 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एक्स लॉग टू द बेस ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये अंडरस्टूड है कि पैटर्न आपको समझना है। अब अगेन नॉर्मली 2 के बाद हमको फिजिक्स में मतलब नहीं रहता, ठीक है, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं 3 फैक्टोरियल एंड दिस विल गो टिल इंफिनिटी, ठीक है, 2 इंफिनिटी। तो ये इतने सारे फॉर्म्यूलाज हैं जो कि आपको याद रखने होंगे और फिर आप आसानी से प्रॉब्लम को कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ प्रॉब्लम है जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को लेके होंगी, तो उसको भी हमको देखना होगा, जैसे कि लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अगर इस फॉर्म में होगा तो हमको साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म में होगा तो हम उसको 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह 20th पॉइंट, अगर हमको cos थीटा दे दिया तो लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो तो दीज आर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो cos 0 1 होता है, ठीक है, तो ये तो आसान है। उसके बाद tan का भी होगा तो लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो tan theta by theta अगर हम करेंगे तो that will be 1, ठीक है, tan theta by theta will be equal to 1, so this is equal to 1। तो कहने का मतलब है इतना सारा चीजें हैं और हम अब इसी को हम लोग अगर मान लेते हैं इसी का extension अगर हम करते हैं, मतलब किसी को दूसरे फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करने का प्रयास करें तो लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो और यहाँ पे हमने लिख दिया साइन ऑफ एम एक्स, अब एम का वैल्यू 2, 3 कुछ भी हो सकता है और ये नीचे आपने एम एक्स लिख दिया, ठीक है। तो दिस मींस दिस इज ये साइन थीटा बाय साइन थीटा का फॉर्म, ठीक है, ये 1 हो गया। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है कि आपको अल्टरनेट थोड़ा सा वेरिएबल फॉर्म्स दिया जा सकता है, ठीक है। तो एम एक्स थीटा है तो ये साइन थीटा बाय थीटा थीटा के फॉर्म में आ गया तो आपका। अब इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं कि मान लीजिए अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लिया हमने आपको दे दिया लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो और इधर दे दिया साइन 5 थीटा बाई साइन 5 थीटा बाई साइन 2 थीटा। अब देखो आंसर ना देख के, यहाँ पे प्रॉब्लम अगर रहेगा तो देख के हम बोल देंगे कि आंसर इज 5/2, ठीक है, आंसर इज 5/2 इसका लिमिट, ठीक है। अभी आता कैसे, तो मेरे को ऊपर वाले फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको मेरे को ऊपर वाले जो कॉन्सेप्ट है साइन थीटा बाई थीटा वाले फॉर्म में मेरे को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, थीटा टेंड्स टू जीरो, ठीक है, ये फॉर्म जो है आपका। यहाँ पे अब आप देखोगे कि साइन 5 थीटा है
उसको मेरे को 5 थीटा करना पड़ेगा, ठीक है, तब आएगा वो उस फॉर्म में आएगा। और नीचे 2 थीटा है, उसको मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा, तभी ना आएगा। अब हम ऐसा एक कर दिए क्योंकि मेरे को नीचे लिखना है, तो उसको ऊपर लिख दिया क्योंकि वो डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब मैंने 5 थीटा बाई 2 थीटा डाला, तब ना जाके बैलेंस होगा। अब देखिए ये बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, 5 थीटा से 5 थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा ही sin 5 थीटा बाई sin 2 थीटा आ जाएगा। बट ये अरेंजमेंट करने से, मैनिपुलेशन करने से मेरा प्रॉब्लम अब आसान हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन 5 थीटा बाई थीटा का मतलब वैल्यू तो 1 हो गया, उसी तरह लिमिट sin θ 2θ/θ उसका भी ये हो गया। तो अब आप उसको आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आंसर आप निकाल सकते हैं। तो इसी को आप ऐसे सॉल्व करो, ये मेरा इस फॉर्म में आ गया sin 5θ/5θ, ठीक है,